हेलो एवरीवन, राम राम। तो मैं हर्षाली चांडक लट्ठा, मिसिसागर कनाडा से। आज आपको टीच के लिए सिंपल आप कौन से न्यू शेप में लड्डू बना सकते हो वो सारे आइडियाज़ बताऊंगी। तो मुझे यहाँ पे आके ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल हो गया और ये मेरी दूसरी टीच है। तो मुझे पता है कि जिनकी नई नई शादी होती है उनके घर लड़कियों के घर टीच भेजनी होती है। तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ पैकिंग के लिए आइडिया मिल जाए, त्यौहार भेजना है तो किस तरीके से पिंडा वगैरह बनाएं, न्यू आइडियाज़ चाहिए होते हैं। पिंडे के तो अभी तक मेरे पास ऐसा कोई न्यू आइडिया नहीं है। मेरे पास सिर्फ आप लड्डू के मतलब लड्डू की जगह कौन से न्यू शेप्स बना के भेज सकते हैं, या आप खुद अपने घर के लिए क्या न्यू इस बार ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ सिंपल आइडियाज़ है, तो मैंने सोचा कि मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है अभी, तो आप लोग एटलीस्ट सेलिब्रेट कर पाओ और आप लोग बहुत सारी चीज़ें बना पाओ ये सारे सिंपल आइडियाज़ और ट्रिक्स यूज़ करके। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं किसी को हेल्प कर पाई। तो बस आप सभी लोगों के साथ छोटे से थोड़े से बेसिक शेप्स कैसे नए बना सकते हैं उसके टिप्स शेयर करूँगी और कैसे करना है वो बताऊँगी। तो ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक लवंग लिया है यहाँ पर, एक जो अपना कांटे का चम्मच होता है वो कांटे का चम्मच, और मेरे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट था। तो आप इसके जगह पे जो अगरबत्ती का जो पीछे की लकड़ी होती है आप वो यूज़ कर सकते हो, या कोई भी आपके पास शार्प पेन हो ख़राब हुआ हुआ तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इसका टिप कैसा है। तो मैंने बस ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया। तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिनके यूज़ करके हम कुछ शेप्स बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। मेरे पास ज़्यादा सत्तू का जो आटा होता है वो नहीं है, तो ये मेरे पास लास्ट ईयर का थोड़ा सा आटा बचा पड़ा था, जिससे मैंने सिर्फ एक मतलब जो बट्टी होती है या एक जो लड्डू होता है वैसे ही बनाया, एक बाटी जैसा बनाया, क्योंकि थोड़ा सा ये अभी यूज़ तो नहीं आएगा। मुझे इंडियन स्टोर जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सातू मिलता है या नहीं है। खैर, वो सारी बातें अलग। अब आप लोगों के साथ इसकी जो बेसिक और सिंपल ट्रिक्स है वो शेयर करती हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो ये जो चम्मच है वो, ये एक इंस्ट्रूमेंट, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, और बस मैंने एक लॉन्ग लिया है। और क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही मतलब इतना ही आटा है, तो मैं इसी पे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स करके बताऊँगी। तो अभी आप इसके लिए ना, मुझे क्वांटिटी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर आप ज़्यादा आटा लेंगे और घी कम कर देंगे तो आपको जो शेप देना है वो शेप नहीं दे पाएंगे, और अगर आप ज़्यादा घी डाल दोगे तो आप शेप दोगे ना तो वो शेप टिकेगा नहीं, वो घी अगर छूटेगा ना तो वो शेप बिगड़ जाएगा, वो वैसे रहेगा नहीं। तो ये जो है ना, ये बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको थोड़ा देख लीजिए, और थोड़ा जब भी आप मतलब आटा बनाएं इसका, तो एक बार थोड़े से बेसिक शेप डाल के देखिए कि मतलब बन रहे या नहीं बन रहे, उस हिसाब से आप कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हो। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको प्रॉपर क्वांटिटी में कितना डालना है क्या डालना है वो नहीं बता सकती हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। बट मुझे जो पता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी सबसे पहले एक बेसिक डिज़ाइन बना लेते हैं। तो मैं अभी इसको थोड़ा कम कर रही हूँ, मुझे इतना लड्डू नहीं चाहिए, मतलब इतना मुझे नहीं चाहिए, तो इसको थोड़ा कम करके साइड में कर रही हूँ। और अभी हम करते हैं एक बेसिक शेप की तैयारी। और सबसे अच्छी टिप आपको ये दूंगी कि जब भी आप सातू के लाडू पे मतलब काम करें ना सातू पे, तो सबसे पहले हाथों को अच्छे से क्लीन कर ले, क्योंकि क्या होता है जो मतलब आटा है येलो कलर का होता है, और अगर आपके हाथ अगर गंदे हुए मैले हुए तो ये इस पे ना दिखने लगेगा, थोड़ा काला हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको अवॉइड करिए, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा है कि अगर आप पैकिंग में लड्डू डालना चाहते हो, तो अभी आप क्या करते हो, हमेशा एक अपना जो लड्डू का बेसिक शेप होता है वो हम बना के रख देते हैं, इस पर कुछ कट मतलब जो चांदी का वर्क होता है वो डाल देते हैं, या काजू बादाम जो भी कुछ होता है वो लगा के हम ऐसा बेसिक शेप देते हैं। लेकिन अब इसके जगह पे क्या यूनिक करेंगे, तो अभी हम इससे ना एक हम अलग अलग तरीके की जो मिठाई होती है उनके शेप्स बनाने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मोदक का शेप कैसे बनाना है। तो अभी मोदक में ऊपर हम एक ऐसा टोक देते हैं, करेक्ट। तो आप कोशिश करिए कि आप इससे ऊपर की तरफ एक टोप, ऐसा एक टोप दे पाए। ठीक है, तो मैंने ऐसा एक ऊपर टोक देने की कोशिश की है। आप धीरे धीरे करिए, और साथ में ना बाकी की जगहों को आप सॉफ्ट भी करते जाइए।
ठीक है, अभी मैंने ऊपर एक ऐसा टोक दे दिया है, इसके ऊपर मैं यहाँ से लौंग डाल रही हूँ, ठीक है। और अभी जो हमारी कांटे की चम्मच होती है ना, उसको यूज़ करना है। तो अभी इसको कैसे यूज़ करना है, कभी भी ना इस चम्मच को ऐसे करके एकदम उठाइएगा मत, इस चम्मच को वहीं रहने दीजिए और धीरे 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 आप इस तरीके से इसे नीचे की ओर लेके आइए। इसको कभी भी उठाओगे ना आप तो बिगड़ जाएगा, तो इसको ऐसे करिए। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये बनाया है। मैं अलग से आपको और भी बता दूंगी कि कैसे करना है। और जब भी आप ये सारे डिज़ाइंस बनाएं ना, तो तुरंत से एकदम इसको उठाने की या कुछ भी निकालने की झटपट गड़बड़ ना करें, क्योंकि घी होता है तो चीज़ें कभी कभी चिपक जाती है। तो आप इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रखिए और उसके बाद आप इसको निकालिए। खैर, अगर आप इस तरीके से हाथ पे बना रहे हैं तो आप एक चम्मच पे इसको ऐसे लेके इस तरीके से प्लेट में रख सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसका एक पिक्चर क्लिक करके बता दूंगी सेपरेटली कि कैसा दिख रहा है। तो मैंने अब वापस से आटे को जो बनाया था पहले वो एक सार कर लिया है फिर से, और अभी हम इसको ना कोशिश करेंगे समोसा का शेप देने की, ठीक है। तो अभी आप इसको कैसे करें, समोसा का शेप होता है ट्रायंगुलर, ठीक है। तो आप इससे ना ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें सबसे पहले। तो ये देखिए हमारा समोसा का शेप रेडी हो गया है। आप इस पर अगर आपको चांदी का ऊपर वर्क देना है जो हम मिठाइयों के ऊपर देते हैं तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मुझे ना ज़्यादा लाइक हैवी वर्क पसंद नहीं है, तो मैं इसमें यहाँ पे एक लौंग डाल रही हूँ। और यहाँ पे ना फूड कलर वगैरह इतना मिलता नहीं है, तो अगर आप वो सब कर सकते हो, आपको कुछ डिज़ाइन वगैरह बनानी है तो आप वो भी बना सकते हो। तो आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको बेसिक शेप्स के बारे में बता रही हूँ, तो आप ऐसा शेप दे सकते हो। इसको उठाने की घाई करना मत, मैं यही बार बार रिपीट कर रही हूँ। सेटल होने देना, एक बार जब घी से ये पूरा पक्का हो जाएगा तो फिर जब आप इसको उठाओगे ना तो बहुत ईजी जाएगा। अभी क्योंकि आपने शेप दिया है तुरंत से तो सॉफ्ट होती है चीज़ें, तो उसको थोड़ा सेट होने दीजिए, उसके बाद आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो ये रहा एक सेकेंड शेप, मैं इसका भी आपके सामने फ़ोटो बना के डाल दूँगी। तो अब सारी बॉर्डर स्मूथ होने के बाद ये वाला जो डिज़ाइन है वो आपको हाथ में नहीं बनाना है, आप इसको एक प्लेट में या आप जिसमें भी थाली या कहीं पे भी जो बना के रखना चाहते हो जिसमें भी उसमें बनाइए, ठीक है। अभी ये रखने के बाद आपको क्या करना है, इसके जितने भी बॉर्डर्स है ना उन्हें ऊपर की ओर लेके आना है। तो आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, जैसे हम किसी में फीलिंग भरते हैं तो हम कैसे ऊपर की ओर ले आते हैं,
बस सेम आपको ऐसे सारे जितने भी बॉर्डर्स है ना वो ऊपर की तरफ लेने हैं, और साथ में ना आप ये भी स्मूथ करते चलिए थोड़ा, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। खैर मैं आपको इसके लिए बताऊंगी आइडिया कि आप बाद में इस ए वाले पोर्शन को क्या कर सकते हो। और फिर बाद में इन जो बॉर्डर्स ऊपर की तरफ आ गए ना, इनको पतला करिए एकदम, जैसे हम हमारी फलका या रोटी बनाते हैं तो कितना बारीक होता है, बस वैसे बारीक करते चलिए, और प्लेट को घुमा के आप करिए, ठीक है, इस तरीके से। देखिए मैंने ऑलमोस्ट बहुत ऐसा पतला इसको कर दिया, और इस वाले शेप को निकालने की घाई मत करिएगा, इसको ऐसे ही सेट होने के लिए थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा, और बाद में आप जिसमें भी पैकिंग करना चाहते हो, जिस डब्बे में इसको रखना चाहते हो, फिर आप इसको उठा के रख दीजिएगा, ठीक है। अभी इतना पतला होने के बाद आपको क्या करना है, एक कॉर्नर लेना है जिसमें आपको इनको ऐसे चिपकाना है, ठीक है। सेम इस साइड को भी आपको ऐसे ही करना है, सेम इस साइड को भी आपको ऐसे ही करना है, एंड दिस साइड आल्सो सेम, ठीक है। एक बार थोड़ा सा डिटेलिंग कर लीजिए, ठीक है। अभी एक लॉन्ग आप यहाँ पे बीच में रख दीजिए। अब आपको लग रहा है कि ये सब करने के चक्कर में आपका जो बीच का पोर्शन है वो इतना स्मूथ नहीं दिख रहा है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला मेरे पास तो ये इंस्ट्रूमेंट है, बट आप पेन ले सकते हो या कोई भी जो शार्प टिप वाला एक इंस्ट्रूमेंट है आप वो ले लीजिए घर में, और आपको बस यहाँ पे इस तरीके से जहाँ पे स्मूथनेस नहीं है वहाँ पे आप उस सर्कल को डिफाइन कर दीजिए थोड़ा सा डिटेलिंग करके, तो उससे आपका वो वाला एरिया कवर हो जाएगा और वहाँ पे डिटेलिंग आ जाएगी, तो इतना मतलब समझ ही नहीं आएगा। और देखिए कितना सुंदर सा शेप लग रहा है, कुछ इस तरीके से न्यू ट्राई करिए। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो, आप एक चीज़ कर सकते हो, काजू जो होते हैं काजू को किस के आप इसके ऊपर पूरा यहाँ पे इस पोर्शन पे काजू का किस डाल सकते हो अच्छी तरीके से, तो बहुत अच्छा दिखेगा, मतलब शेप इतना प्यारा लगेगा। चांदी का वर्क इस पे करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें आपका ये सारा शेप टूट सकता है, तो आप जितना भी ड्राई फ्रूट्स का जो भी वाइट कलर का गूदा होता है वो इस पे स्प्रिंकल कर सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। या आपके पास जो हम लोग कहते हैं ना, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, लेकिन जो मीठी सौंफ वगैरह जो आती है उन सब के साथ बारीक बारीक ऐसे सिल्वर या गोल्डन कलर के बॉल्स आते हैं तो आप वो डाल सकते हो, तो उससे ना ये शेप बहुत प्यारा लगेगा। तो आप ये एक शेप ऐड कर सकते हो, और इसको आप थोड़ा सा सेट होने दीजिए, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही इस शेप को निकालिएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप ये शेप बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, हल्के हाथों से हल्के हल्के से डिटेलिंग करिए, हल्के हल्के से बॉर्डर्स को स्मूथ करने की कोशिश करिए, और बीच में मत प्रेस करिए। आप अगर बीच से बहुत प्रेस कर देंगे तो ये जो है वो नीचे प्लेट में चिपक जाएगा और फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको काम बीच में करना ही नहीं, आपको काम ऊपर बॉर्डर्स पे करना है, तो बॉर्डर्स पे काम करना है, इसीलिए इस डिज़ाइन को आपको प्रेशर डालना ही नहीं। अगर आप प्रेशर डालोगे तो ये डिज़ाइन वैसे नहीं बनेगा जब आप निकालने जाओगे। तो ये एक थर्ड वाला डिज़ाइन था जो आप डाल सकते हो। तो अब एक बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल है, बट जैसे आपने आप एक बॉक्स में अलग अलग तरीके के, जैसे मैंने अभी तीन शेप बताया आपको, वो तीनों शेप, तो उसमें आपका एक जो स्टार्टिंग का हो गया वो एक मोदक जैसा शेप आ गया, एक समोसा आ गया, एक ये मिठाई जैसा एक शेप आ गया, और अभी इस वाले में ना हम एक सिंपल चक्री का शेप देंगे। तो चक्री का शेप देने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस ऐसे बाटी ले लीजिए, और फिर जो भी मेरा शार्प इंस्ट्रूमेंट है उससे ही आपको उसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले रेफरेंस के लिए सेंटर में आप लॉन्ग को ऐड कर दीजिए, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको इसी सेंटर पॉइंट से शुरू करना है।
और फिर बस आप ऐसे ही सर्कल को घुमाते जाइए जहाँ तक आपको लगता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो कवर हो सकता है वहाँ तक। बहुत ही सिंपल है ये, बट आप अगर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप डालोगे ना पैकिंग में, त्यौहार में, तो बहुत इनोवेटिव लगेगा, कुछ न्यू लगेगा। और ज़्यादा ना वर्क करके उतना यूज़ होता नहीं है, तो सिंपल वे में आप ऐसे सब डाल सकते हो। और फूड कलर और वो सब तो खैर मतलब हार्मफुल भी है, खाने भी नहीं चाहिए बॉडी के लिए। तो आप ये सारे बेसिक्स और सिंपल डिज़ाइन है जिसमें कुछ नहीं लगेगा, एक सिंपल मैंने सिर्फ लॉन्ग का यूज़ किया जितने भी डिज़ाइंस बताए उसमें, तो आप इस तरीके से रख सकते हो। और इसको निकालने का तरीका मैंने पहले भी बताया है कि आप नीचे बढ़िया से स्पून डालिए, फिर रख दीजिए। देखिए मेरे भी हाथ में थोड़ा चिपका है क्योंकि मैंने अभी आपके सामने तुरंत निकाला है, तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा सा सेट होने देके आप निकालोगे ना चीज़ों को तो बहुत अच्छी रहेगी। और ये तो जब खैर सेट हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। अरे वे, क्योंकि हम मिठाई जैसा थीम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिठाई के बॉक्स में सारी चीज़ें चले जाए और काजू कतली ना जाए तो ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बट आपको काजू कतली के लिए क्या करना है ना, छोटी वाली लोई लीजिए आप काजू कतली बनाने के लिए, क्योंकि जितनी से छोटी छोटी होगी ना शेप में उतनी सुंदर लगेगी आपको, मतलब भेजने में भी और दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और इस पर आप जो चांदी का वर्क होता है वो आप इस पर दे सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। अब काजू कतली का शेप मैं क्या बताऊँ, सभी को पता है, मेरे तो मुंह में पानी भी आ गया है सुन के, क्योंकि यहाँ तो मैंने पता नहीं कब लास्ट टाइम खाई थी। जब भी ऐसी सारी चीज़ें खाने का आ जाता है ना, मेरे मुंह में पानी आ जाता है और इंडिया की याद आ जाती है। इंडिया में इतना ईजीली सब कुछ मिल जाता है, अब यहाँ ऐसा है कि सब कुछ खुद बनाना पड़ता है। थोड़ा सा डिटेलिंग फिर आप एक सरफेस पे रख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। इसे ना दोनों हाथों से कोशिश करें देने की ताकि एकदम प्रॉपर आ जाएगा फिर जैसे भी आपको चाहिए। और काजू कतली के जो टोक होते हैं ना वो बहुत शानदार होते हैं एकदम, तो लगनी चाहिए काजू कतली। तो इस पे आप थोड़ी सी मेहनत करिए। ऊपर से इसको थोड़ा सा फैला दीजिए। तो ये रहा हमारा काजू कतली का शेप, और इस शेप पे आप चांदी का वर्क डाल के इसको ऐड कर सकते हैं। तो टोटल मैंने आपको 5 शेप्स आज बताए हैं, तो आप ये 5 शेप आपके जो त्यौहार आप भेज रहे हो उसमें ऐड कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप कोई भी एक शेप के भी सारे ऐड करके भेज सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप ऐसा कुछ थीम जैसा करो, तो आप जैसे हमारा मिठाई का बॉक्स आता है उसके अंदर ऐसे रो होते हैं जिसमें एक रो में एक मिठाई, दूसरे में दूसरी, तो आप ऐसे 5 शेप की रोज बना के एक एक रो डाल सकते हो। तो 5 काजू कतली के शेप, देन 5 जो मैंने चकली बताई वो, 5 समोसा
और ऐसा सब कुछ आप कर सकते। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जो 5 डिज़ाइंस हैं ये पसंद आए होंगे और आप इसको एक मिठाई के बॉक्स में या अच्छा आप पैकिंग का एक बॉक्स लेके अलग अलग शेप्स की मिठाई डाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको चक्री बताया, तो आप सारा चक्री जो है वो गोल इसमें डाल के बीच में थोड़े काजू कतली या पेड़े का पेड़ा, मतलब इस बेसिकली आपको मैं सिंपल बताऊँगी, छोटा सा छोटा जैसे पेड़ा हमारा मिलता है, तो एक छोटा लोई बना लीजिए ऐसी वाली और इसमें बीच में इस तरीके से लौंग डाल दीजिए। तो ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया। तो आप चक्री के जस्ट साइड में ऊपर पूरा पेड़े का, पहले 5 पेड़े का सर्कल, फिर 4, फिर 3, 2, 1 ऐसे सर्कल बना के, और पूरा, आई विश मेरे पास अगर थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा होती तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती, बट मैं रेफरेंस के लिए आपको बता रही हूँ। और इस वीडियो के नीचे मैं मेरा इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो आप लोगों को दे दूँगी, ताकि अगर आप त्यौहार में कुछ भी नया भेज रहे हैं या इन डिज़ाइंस को यूज़ करके आपने कुछ न्यू और किया है तो मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ सीखने मिलेगी इन सारे चीज़ों से। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जो 5 सिंपल मैंने शेप्स बताए ये पसंद आए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, आपको और डिफरेंट तरीके से डेकोरेट कैसे करना है, सिंपल, ज़्यादा कुछ भी वर्क के साथ नहीं, बेसिक चीज़ों के साथ आप कैसे डेकोरेट कर सकते हो और कितना इनोवेटिव और सुंदर बना सकते हो, वो भी शेयर करूँगी। और आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी जिनके भी साथ आप शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। राम राम।